में हुई एक बेटी के साथ बलात्कार की दर्दनाक घटना जिससे समूचे देश में आक्रोश है। एक और जहां राजनीतिक पार्टियां इस पर रोटी सेकने में लगी हुई है, वहीं पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर भी जुड़ा हुआ है। आज इंदौर में वाल्मीकि समाज ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, वहीं जमकर नारे भी लगाए। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए संभागायुक्त की ओर कूच कर दिया, जिसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, न ही फेस मास्क का। प्रदर्शनकारियों ने हम अपना अधिकार मांगते, ना ही किसी से भीख मांगते जैसे नारे लगाए। सड़क से लेकर ज्ञापन सौंपने तक गुस्सा उनकी आंखों में छलक रहा था। वह मांग कर रहे थे कि हाथरस की बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो एक मांग प्रदर्शनकारियों के द्वारा उठाई गई, वह बात नारे में भी छलक रही है। वह यह कि वाल्मीकि समाज की बहन को इंसाफ मिले। वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा कि संभागायुक्त शहर में नहीं है, तो प्रदर्शनकारियों ने यह धमकी दी कि हम तब तक यहां से नहीं हिलेंगे जब तक हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाता। वह कुछ देर बाद बवाल होने के बाद, नारेबाजी होने के बाद संबंधित ने ज्ञापन लिया और वाल्मीकि समाज की मांगों को सुना। इंदौर शहर के समस्त वाल्मीकि समाज की चारों पंचायतें, नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी संगठन, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा एवं वाल्मीकि समाज के युवा संगठन सभी यहाँ एकत्रित होकर जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हाथरस में जो घटना हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, समाज में जो आक्रोश था, कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो यहाँ पर 10,000 लोग वाल्मीकि समाज के आकर ज्ञापन देते। वाल्मीकि समाज के साथ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वहाँ के DM एवं SP एडिशनल SP इन सब लोगों ने उनके घर पर राशन पानी तक नहीं पहुंचाने दिया और उस बहन की चिता रात के 2 बजे घर वालों के मर्जी के बगैर पेट्रोल डालकर जला दी गई, ऐसी घटना देश में पहली बार हुई कि कोई के मरने के बाद उसके परिवार को उसकी चिता तक नहीं जलाने दी। पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज इस घटना का कड़ा विरोध करता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।